आज पता चलेगा कि सीरीज किसके नाम, भारत या श्रीलंका। यह सीरीज डिसाइडर में भारत और श्रीलंका की टीम तीसरे T20 इंटरनेशनल में आज राजकोट में भिड़ने वाली है। अगर टीम इंडिया को यह सीरीज जीतना है तो उसे कुछ काम करने होंगे। वो कौन सी पांच चीजें हैं वो आज मैं बताऊंगा, जिसकी जरूरत भारतीय टीम को है कि वो उन कमियों को दूर करे, तभी भारतीय टीम ये सीरीज जीत सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सीरीज डिसाइडर में अगर भारतीय टीम को जीत चाहिए तो पांच चीजें करनी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, पहली चीज की बात जो मैं करूंगा वो है बॉलिंग में डिसिप्लिन, मतलब कि जो आपने एक्स्ट्रा रन उपहार स्वरूप विपक्षी टीम को दिए हैं उससे बचना होगा, और इसका उदाहरण आपके सामने है। दूसरे T20 इंटरनेशनल की हम अगर बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने 12 अतिरिक्त रन लुटाए, जिसमें से 7 नो बॉल और 4 जो है वो वाइड गेंदे थी। अब आप खुद समझिए कि अगर आपने 11 गेंदे नो और वाइड में फेंक दी, इसका मतलब हुआ कि आपने ऑलमोस्ट 2 ओवर श्रीलंका की टीम को ज्यादा बल्लेबाजी दी। तो बॉलिंग में वो डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप पहले T20 इंटरनेशनल की बात करें तो आप वहां देखेंगे कि वहां भारतीय बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की थी और एक्स्ट्रा बिल्कुल ही नहीं दिया था। तो जब आप उस पर कंट्रोल रखते हैं एक्स्ट्रा पर, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ आपकी टीम को मिलता है। तो जो पहली चीज भारतीय टीम को करनी होगी वो बॉलरों के जिम्मे है, और वो उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो बहुत अनुशासित होकर गेंदबाजी करें और नो बॉल और वाइड गेंद फेंकने से बचें। दूसरी चीज जो टीम इंडिया को करनी होगी वो ये है कि पावर प्ले जीतना होगा। अगर हम देखें तो बैटिंग पावर प्ले जीते हुए तो टीम इंडिया को एक लंबा अरसा हो गया है। हम T20 विश्व कप से ये बातें करते चले आ रहे हैं कि बैटिंग पावर प्ले में जितने रन चाहिए उतने रन भारतीय बैटर्स नहीं बना पा रहे हैं। जो पहले एक तरीका होता था खेलने का कि सेट होकर आप स्ट्रोक लगाते थे तब जितने रन बन जाया करते थे, अब उतने भी रन नहीं बन रहे हैं, जबकि अब ये रणनीति बनाई गई है कि आप हर गेंद पर स्ट्रोक खेलने के लिए जाते हैं पावर प्ले में। तो इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। आपको बैटिंग पावर प्ले जीतने की आदत डेवलप करनी होगी, और अगर इस सीरीज डिसाइडर में आपको जीत चाहिए तो बैटिंग पावर प्ले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 6 ओवर में आप जितने ज्यादा रन बनाएंगे सामने वाली टीम पर दबाव उतना बढ़ेगा। और जब मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं ना, तो सिर्फ बैटिंग पावर प्ले की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बॉलिंग पावर प्ले की भी बात कर रहा हूं। अगर हम दूसरे T20 इंटरनेशनल का उदाहरण लें तो वहां पर भारतीय बॉलर्स ने 6 ओवर में 55 रन खर्च किए थे और श्रीलंका का एक भी विकेट नहीं लिया था। इसके उलट पहले T20 इंटरनेशनल में भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में न सिर्फ अच्छी गेंदबाजी की थी, कसी हुई गेंदबाजी की थी, बल्कि श्रीलंका के विकेट भी निकाले थे। तो आपने पहले मैच का रिजल्ट देखा, और दूसरे मैच में जब आप वो काम नहीं कर पाए तो आपने उसका भी रिजल्ट देख लिया। इसलिए अगर भारतीय टीम को मैच जीतना है तो दोनों पावर प्ले जीतना ही होगा। तीसरी चीज जो भारतीय टीम को करनी होगी और जिस पर की काम करने की जरूरत है वो ये है कि भारत के टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। अगर हम पिछले 2 T20 इंटरनेशनल को देखें, जो पहला और दूसरा खेला गया मुंबई और पुणे में, अगर उसकी हम बात करें तो दोनों ही मौकों पर जो भारत का टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करने में विफल रहा है। अगर हम पहले मैच की बात करें तो वहां भी 94 के आसपास आपके 4-5 विकेट गिर जाते हैं, और इस तरह से अगर आप दूसरे T20 इंटरनेशनल की बात करें तो 57 रन पर आपकी आधी टीम वापस लौट जाती है। तो जब अगर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बैटर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, तो लोअर डाउन दी ऑर्डर जो है वो
दबाव बढ़ता है और फिर जो लक्ष्य आपका होना चाहिए आप जितने रन तक जा सकते हैं उतने रन तक आप जा नहीं पाते। ये एक अलग बात है कि पहले मैच में दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल और दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी ने भारतीय टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा जरूर दिया, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि टॉप ऑर्डर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ईशान किशन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। शुभमन गिल ने निराश किया है, उन्हें भी अपने खेल में जो है T20 के लिहाज से चेंज लाना होगा। हार्दिक पांड्या भी अभी तक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, राहुल त्रिपाठी तो खैर नए हैं ही। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अगर हम चौथी चीज की बात करें तो डेथ ओवर्स में भारत को कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, मतलब इंडियन बॉलर्स को थोड़ा कंजूस होना पड़ेगा। अगर आप इतनी दरिया दिली से रन लुटाएंगे तो श्रीलंका की टीम बड़ा टारगेट बना लेगी और अगर वो बड़ा लक्ष्य आपके सामने रखती है तो फिर आपके बैटर्स के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और प्लस ये भी होता है कि जब आप महंगे ओवर डालते हैं तो जो गेम का मोमेंटम होता है ना वो आपकी तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बेहद ही जरूरी है कि डेथ ओवर्स में इंडियन बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी करें। अगर हम दूसरे T20 इंटरनेशनल की बात करें तो आखिरी 6 ओवर में भारतीय बॉलर्स ने 93 रन लुटाए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 6 ओवर में आप 90-100 रन खर्च करने लगे तो बाकी के 14 ओवर में कितने रन बनेंगे। तो उस लिहाज से आप देखें तो 206 का जो स्कोर बनाया था श्रीलंका ने वो कम ही बनाया था। तो इसलिए आपको डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और इस 19वें ओवर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये 19वां ओवर जो है भारतीय टीम के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और लगता है कि पता नहीं उस ओवर में इतने रन भारतीय बॉलर्स क्यों लुटा रहे हैं। खैर ये चौथी बात हो गई कि डेथ ओवर्स में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा गेंदबाजी में। पांचवी चीज जो कि खेल से जुड़ी नहीं है लेकिन बहुत ही अहम है कि टीम को पैनिक नहीं होना होगा। हार्दिक पांड्या एक ब्रेव कैप्टन के रूप में सामने आए थे लेकिन दूसरे T20 इंटरनेशनल में जब उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को पहली हार मिली उस दौरान जो उनके कुछ हाव भाव थे उसे मैं सही नहीं मानता। खास करके जैसे अर्शदीप की गेंद पर जो शनाका का कैच लपका गया और फिर जो नो बॉल उसे करार दिया गया उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशंस थे, या आप मैच के दौरान एक दो बार और भी देखेंगे इवन दो कि जब मैच खत्म नहीं हुआ था एक गेंद अभी बाकी थी उस वक्त ही वो खड़े हो जाते हैं और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने लगते हैं कि हाँ चलो अब मैच खत्म हो गया। तो इन चीजों से बचना होगा, बॉडी लैंग्वेज आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और इसके अलावा सार्वजनिक तौर पर किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग ना हो तो वो बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। जैसे उन्होंने अर्शदीप को इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने इतने सारे नोबॉल फेंके और उनकी एक हिस्ट्री है कि वो नोबॉल फेंकते हैं और ये एक क्राइम है, ये बातें आप ड्रेसिंग रूम में भी कर सकते हैं। थोड़े रस्टी जरूर थे अर्शदीप और ऐसा होता है जब आप वापसी करते हैं, किसी का भी खराब दिन होता है। हालांकि बाद में राहुल द्रविड़ ने इस बात को संभालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस खैर तो ये 5 चीजें हैं जो भारतीय टीम को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और इन चीजों पर अगर भारतीय टीम वर्क करती है तो कोई वजह नहीं है कि भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा कर ले। अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं उसमें 3 मैच भारत ने जीते हैं, 2 मैच श्रीलंका ने जीता है, मतलब वहां भी कांटे का मुकाबला है। हालांकि राजकोट में भारत ने अब तक 4 मैच खेले हैं जिसमें 3 में उसे जीत मिली है, सिर्फ 1 में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कि राजकोट में भारत का विन परसेंट जो है वो अच्छा है। तो ये एक बात हो गई और एक और आपको बता दूं कि भारतीय टीम आज सीरीज जीतना हर हाल में चाहेगी और जो भारतीय टीम का पोटेंशियल है अगर भारतीय टीम अपने पोटेंशियल से खेलती है तो निश्चित तौर पर सीरीज उसके नाम होगा। हालांकि जिस तरह से श्रीलंका की टीम परफॉर्म कर रही है उससे लगता है कि एक और थ्रिलर हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।